नमस्कार, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी शुक्ला। खबर सुबह 12 बंकी से है। विधानसभा हैदरगढ़ से सपा भावी उम्मीदवार गौतम रावत का सुकुलपुर में हुआ जोरदार स्वागत। विधानसभा हैदरगढ़ क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के भावी विधायक गौतम रावत का ग्राम सभा सुकुलपुर में आगमन पर कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर जोरदार स्वागत किया। जनसंपर्क के दौरान सुमित सिंह राजा यादव प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य ने जनसंपर्क करते हुए कहा कि आपके विधानसभा हैदरगढ़ से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश सिंह यादव जी के आदेशों को मानते हुए विधानसभा हैदरगढ़ में जनसंपर्क किया जा रहा है और भाई गौतम रावत जी को माननीय मुलायम सिंह यादव जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। आपको विधानसभा हैदरगढ़ से सीट की दावेदारी दी जाएगी। इस कार्यक्रम के दौरान विजय सिंह यादव, मोहम्मद असलम, विकास यादव, मुकेश यादव, प्रदीप यादव, सर्वेश यादव, नीलू अनुज यादव, अनूप यादव, लव कुमार सिंह, अशोक सिंह, मुन्ना सिंह, रामदीन माता प्रसाद, अंकुर शुक्ला, सुनील शुक्ला, आनंद प्रकाश, रामू प्रधान, विजय पप्पू सहारा, प्रेम कुमार, राम कुमार शुक्ला, गंगा प्रसाद रावत आदि सैकड़ों की संख्या में सपा कार्यकर्तागण मौजूद रहे। रविंद्र कुमार मिश्र, ब्यूरो 12 बंकी के साथ हैदरगढ़ से वेद प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। क्या नाम सर आपका है? मैं गौतम रावत, विधानसभा 270 से समाजवादी पार्टी का एक सिपाही हूँ। यहाँ क्या उद्देश्य आपका? ये उद्देश्य दो मिशन 2022 अखिलेश भैया का जो मिशन है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का, उसी मिशन में लगे हुए हैं और विधानसभा 2022 की तैयारी हैदरगढ़ विधानसभा से कर रहे हैं। तो ये किसान धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? अब इस पे अगर सरकार के खिलाफ कुछ कहा जाए तो सरकार तक कोई बात पहुंचती नहीं है। और सरकार जैसे कहते हैं कि गूंगे बहरों की सरकार है, जब 40 दिन से चिल्ला रहे हैं किसान, इस पूरी ठंडक अपने ऊपर बिता दिए हैं। ये अपनी ऊपर ठंडक बिताने के बाद जब उनकी नहीं सुन रही है सरकार, तो ये हम लोगों की आवाज़ इस कोने से कैसे पहुंचेगी? ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि वो सरकार कुछ न देखना चाहती है न सुनना चाहती है सिवाय अपने।